नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका देसी हेल्थ उपाय चैनल में। दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर कोरोना की लहर कब थमेगी। हम लोग देखते हैं कि जब लॉकडाउन होता है तो धीरे धीरे केस कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके 2-3 महीने बाद फिर से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है क्योंकि केस बढ़ चुके होते हैं। दोस्तों, यदि हम शुरुआत में जाएँ कोरोना के, तो यह कहा जाता है कि कोरोना चीन के वुहान लैब से किसी साइंटिस्ट को संक्रमित होकर बाहर निकला था, यानी वह साइंटिस्ट रिसर्च करते हुए संक्रमित हो गया था और उसी के जरिए आज पूरे विश्व में कोरोना फैल गया। दोस्तों, इसमें से तो यही समझ में आ रहा है कि एक इंसान यदि कोरोना संक्रमित है तो वह करोड़ों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को संक्रमण हुआ है, वह किसी अन्य से मिलता है, अब वह जो दूसरा व्यक्ति है जिससे हम मिले वह अन्य किसी पर्सन से मिलता है, फिर उसकी फैमिली है, तो ऐसा करके एक मल्टीपल तरीके से चेन बढ़ते जाती है और यह संक्रमण बढ़ते जाता है। तो यह कह नहीं सकते कि कोरोना की लहर कब थमेगी। अभी मान लीजिए दूसरी लहर तो आई गई, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन तीसरी लहर भी आखिरी लहर नहीं होगी। तब तक आखिरी नहीं होगी जब तक कि पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन वहाँ के लोग लगा नहीं लेते। अगर तब भी एक भी पेशेंट यदि बच जाता है, एक भी संक्रमित व्यक्ति बच जाता है, तो फिर से उस देश में, उस देश के ज़िले में या उस ज़िले के तहसील में या उस तहसील के किसी गांव में या उस गांव के किसी कोने में वह संक्रमित व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। और जब वे कई लोग संक्रमित होकर बाहर निकलेंगे तो वे पूरे गाँव को संक्रमित कर सकते हैं। गांव से जब शहर आएंगे तो शहर वालों को कर सकते हैं, यानी यह फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यदि वैक्सीन की भी बात करें तो 100% रिजल्ट तो कोई भी वैक्सीन नहीं दे रही है, आपको पता है। कोई वैक्सीन 85% तक आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रही है तो कोई 95 तक, लेकिन 100% वाली तो अभी एक भी वैक्सीन नहीं है मार्केट में। तो हम यह नहीं कह सकते कि कोरोना की आखिर कितनी लहरें आएगी। अगर एक भी पेशेंट है तो फिर से संक्रमण उसी तरीके से बढ़ेगा जैसे चाइना के एक साइंटिस्ट के जरिए आज पूरे विश्व में फैला। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि यह संक्रमण नहीं रुकने वाला है, इसलिए खुद की सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइज़र का यूज करें, अगर किसी से मिलना है तब भी मास्क का यूज करें। दोस्तों, मैं तो खुद मास्क लगाने के बावजूद संक्रमित हो गया था, मैं कैसे हो गया था आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।